मैं हूँ श्याम सुंदर होटल नासिक में। ये जगह बहुत फेमस है इनके मिसल पाव के लिए। मेरे साथ हैं रवि। रवि ये यहाँ के ओनर हैं और पार्टनर हैं। ये मुझे बताएंगे मिसल पाव ये कब से यहाँ पे सेल कर रहे हैं और इनके मिसल पाव में ऐसा स्पेशल क्या है? चिंता अपना 32 बोलो 32 साल हो गए। ओके 32 साल से अपने इधर बहुत फेमस है मिसल। अच्छा, और अभी अभी तो ज़्यादा फेमस है 2-4 साल से। अच्छा बोलो तो दिन में बहुत गर्दी रहता है। अच्छा और मुंबई गुजरात पार्सल होकर जाता है, यहाँ से पार्सल होकर जाता है। क्या बात है, डेली बोलो तो गुजरात मुंबई पार्सल चालू रहता है अपने मिसल। अरे वाह, तो पार्सल कौन ले जाता है, कोई स्पेशल? नहीं, वो लोग ही लेके जाता है। अच्छा, क्योंकि बोलो तो अभी अपना यहाँ से सुबह निकला तो भी 2-3 घंटे में गुजरात पहुँचते हैं, मुंबई पहुँचते हैं। अच्छा, तो मतलब वो अपने दिन भर मिसल कुछ ये नहीं होने वाला, जाते हैं तो अपने फैमिली के लिए लेके जाते हैं। बोलो तो बोलो संडे शनिवार का अपना ज़्यादा भीड़ रहता है इधर, और बाकी दिन दोपहर के बाद थोड़ा शांति रहता है। तो ये मिसल पाव पाव भाजी से कैसे डिफरेंस है, इसमें क्या है, क्या मिसल पाव नाम कैसे रखा है? मिसल पाव बोलो तो जो इसका मसाला जो हम खुद इधर बनाते हैं, बाहर का कुछ भी इसको अच्छा नहीं करता है। ये क्या है, ये सेव है? सेव है, सेव और कांदा धनिया, उसके नीचे उसल है मड़की। ओके, ये आपका स्प्राउटेड अंकुरित दाल है? दाल अंकुरित दाल उसल मड़की उसल बोलो तो अपना काला चने चौली। ओके, ये तीन आइटम है उसके अंदर। ओके, सो इसमें इन्होंने काले चने की दाल और ये अंकुरित दाल, मूंग की दाल और आपके ये सेव दाल है, सेव को वसल बेसन सेव। ओके ओके सही है, और साथ में पापड़ सर्व करते हैं और बटर पाव है, बटर पाव है और दही है। सो इसको खाते कैसे हैं? अभी इसको मिक्स करके ये उसके अंदर टुकड़ा करके डुबा के खाने का, और साथ में पापड़ और प्याज, पापड़ वापड़ अपना कांदा उसमें डाल के आप जैसा आप नीचे ऐसा अपने वही सबसे डाल के उसमें कांदा का लेने का। तेरा सा हो रही ठीक। सो ये थे रवि, श्याम सुंदर होटल जो मिसल पाव के लिए बहुत मशहूर है नासिक में। पिछले 32 सालों से ये मिसल पाव सेल कर रहे हैं और ये बताते हैं कि यहाँ से मिसल पाव नासिक महाराष्ट्र और गुजरात में भी मुंबई में हर जगह पैक होके जाता है। जो मिसल पाव के शौकीन हैं वो यहाँ आते हैं और इसको पैक करा के ले जाते हैं। ये क्या है? तरी। अच्छा, ये किस चीज़ का तरी है? इसके मिसल के जो तरी। अच्छा, मिसल का तरी है। ये रस है उसका। ये रस है, इसमें डिफरेंस क्या है रस और तरी? ये ओनली तीखा है। अच्छा, ये रस है। ओके, कम तीखा वाला। ओके, वो जास्ती तीखा वाला। ओके ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। मैं खाता हूँ, देखता हूँ कैसा है। थैंक यू।